हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल इन आवर न्यू वीडियो। ओके, सो आज हम एनालाइज करेंगे कल के लिए चार स्टॉक्स और निफ्टी का भी एनालाइज करेंगे हम चार्ट। ओके, सो स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स मैंने पिक किए हुए हैं, पर फिलहाल थोड़ा मार्केट नेगेटिव है, वीक है। मैं वीक नहीं कहूँगा, मैं काफ़ी वोलेटाइल है, मतलब दिन बियरिश स्पेशल है, एक दिन बुलिश स्पेशल है, इसलिए ज़्यादा नहीं है जितने भी हैं वो। तो मैं आपको कल एक अलग वीडियो बनाऊंगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ओके, और जो पिछले मंथ की स्विंग ट्रेडिंग मैंने स्टॉक्स दिए थे, ठीक है, उनमें परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा, थोड़ा अच्छा रहा, फिर उसके बाद जो फॉल आया उसके लिए थोड़ा हमारा परफॉर्मेंस ख़राब हो गया। हिंदुस्तान यूनियन फंड में तो स्टॉप लॉस भी हिट हुआ रहेगा। ओके, सो एनी वेज लेट स्टार्ट। स्विंग का वीडियो जल्दी आ जाएगा, ठीक है, इस मंथ का, जैन मंथ का वीडियो भी जल्दी आ जाएगा। ओके, सो लेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो निफ्टी के चार्ट पे हम देखें, मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी का चार्ट। सबसे पहले तो मैं आपको ट्रेंड लाइन दिखाता हूँ, ठीक है, जो फॉल हो रहा है मार्केट में, ये वाला ट्रेंड लाइन है। थोड़ा आपको बुलिश फ्लैग जैसा पैटर्न दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ये काफी अच्छा रेजिस्टेंस दे रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे काफी अच्छा रेजिस्टेंस मिल रहा है इस ट्रेंड लाइन पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं इस तरह से, दिखाता हूँ, ये जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर जो बीच में एक जोन बना हुआ है, ठीक है, तो कुछ दिनों से यहाँ पे, आज भी फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया उसने, यहाँ पे फिर से उसने रेजिस्टेंस फेस किया और जो हाई बना है वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ से सपोर्ट लिया, ठीक है, जो पिछले बार भी सपोर्ट लिया था यहाँ पे रेजिस्टेंस भी था, फिर से जो भी सपोर्ट बनने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिलहाल निफ्टी के लिए, इस जोन के अंदर जो ट्रेडिंग हो रही है निफ्टी में, ठीक है। तो हम प्लान क्या कर सकते हैं कल के लिए, तो कल आपके गैप अप ओपन होता है यहाँ पे कहीं, समझो यहाँ पे कहीं गैप अप ओपन होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे गैप फिल कर सकते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। तो गैप फिल होता है, ये जो ट्रेंड लाइन है मैंने आपको दिखाया बड़े टाइम फ्रेम पे, जो ये रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये वाली, वो ट्रेंड लाइन ये वाली है, ठीक है। तो कल अगर हमें यहाँ पे एक अच्छा गैप अप मिलता है तो हम यहाँ से एक रिजेक्शन देख के इस ट्रेंड लाइन से यहाँ पे हमें एक अच्छा शूटिंग स्टाइल या फिर इन्वर्टेड हैमर जिसे हम बोलते हैं, इवनिंग स्टाइल सा पैटर्न बनता है, तो हम नीचे की तरफ ये पूरा यहाँ पे टारगेट फिल कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा पहला टारगेट बनेगा जो आज का हाई बना हुआ है, ठीक है। सो यार काफ़ी अच्छा हमें टारगेट मिले यहाँ से लेके, देख से ऑलमोस्ट 171% का पूरा टारगेट हमें यहाँ तक मिल जाएगा, ठीक है। और अगर कहीं यहाँ पे कहीं ओपन होता है, ठीक है, यहाँ पे समझ गया तुम, जो फ्लैट एकदम छोटा सा गैप ओपन होता है, ठीक है, तो यहाँ से एक ऐसा हमारे से ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे एक पुल बैक देख के यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन तक हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ से हम फिर से एक बार शॉर्ट करने के लिए ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो दो ट्रेड हमें मिल सकते हैं अगर यहाँ पे कहीं ओपन होता है, ठीक है, पर अगर यहाँ पे कहीं गैप ओपन होता है यहाँ पे तो हम यहाँ से इसको टच करने के बाद यहाँ से बियरिश स्पेशल देख के, अच्छा रेजिस्टेंस देख के, अच्छा वीकनेस है कि यहाँ पे गैप फिल कर सकते, ठीक है। पर अगर समझो गैप डाउन ओपन होता है या फिर फ्लैट ओपन होता है और यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन दे देगा, जो हम आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 EMA का अच्छा सपोर्ट रहा है, 9 EMA अच्छा सपोर्ट दे रहा है, तो इससे ब्रेक डाउन कर लेता है, यहाँ पे आके पुल बैक देते हैं इस जोन के ऊपर, जो हाई बना है इस जोन के ऊपर और इस 9 EMA के ऊपर, ठीक है, वहां से हम शॉर्ट कर सकते हैं इस नीचे की तरफ टारगेट के लिए, ठीक है। सो मैंने आपको तीनों सिनेरियोज एक्सप्लेन कर दिए कल के लिए। ओके, सो नीचे की तरफ भी आपको काफी अच्छा टारगेट मिल सकता है जो है 1% का, ठीक है, यहाँ से 1% का, यहाँ से भी 1% का टारगेट आपको दोनों साइड पे मिल जाएगा, ठीक है। तो बियरिश और बुलिश दोनों साइड पे हमने निफ्टी एनालाइज कर लिया है, ठीक है। सो लेट्स गो टू अडानी पोर्ट्स चार्ट। ओके, सो अडानी पोर्ट्स में तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे काफी अच्छा सपोर्ट एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है इन अडानी पोर्ट्स, ये वाला, इसके ऊपर जो काफी दिनों से बाउंस करे, ठीक है। सो अभी छोटे टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ मैं आपको। और ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, कैन सी यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है फॉर अडानी पोर्ट्स। ओके, नीचे की तरफ भी ये जो ट्रेंड लाइन है मैं आपको दिखाया कि जो सपोर्ट का काम कर रही है, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या ट्रेड कर सकते, यू कैन सी यहाँ पे ना एक डबल बॉटम पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, जिसका नेकलाइन है, जो आज का उसने हाई टच किया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस मिला था उसे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी उससे रेजिस्टेंस मिला हुआ था, ठीक है। तो ये जोन काफी इंपॉर्टेंट है, नेकलाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर अडानी पोर्ट्स। कल इसका अगर ब्रेकआउट हो जाता है
सो वी कैन सी अ गुड अप मूव, और हम ये टारगेट इजीली अचीव कर सकते हैं, ठीक है। एक अच्छा सा पुल बैक देख के हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, और अगर कहीं यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, फिर यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है तो हमें यहाँ से भी गिल्टस लेके यहाँ तक नीचे का टारगेट ले सकते हैं, और नीचे का टारगेट काफी अच्छा मिल सकता है हमें। यू कैन सी ऑलमोस्ट 3%, 3.5% से भी ज्यादा है, तो 3 या 2.5% भी मिल जाए तो भी बहुत ही बड़ी बात है इंट्राडे में। ओके, सो द अडानी पोर्ट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया ऑन दोनों साइड्स। ओके, लेट्स मूव टू कोटक बैंक। कोटक बैंक में भी एक सेम सिनेरियो जो मैंने आपको निफ्टी में दिखाया, एक जो ट्रेंड लाइन है जो काफी एक रेजिस्टेंस जैसा काम करी है, सेम यहाँ पे भी है, ठीक है। वैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया, और अभी एग्जैक्टली वहीं पे आने के लिए ट्राई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आता है कल तो हम कल यहाँ पे क्या ट्रेड कर सकते हैं, कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सपोर्ट भी दिखा देता हूँ, ये जो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पे, काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पे, और एक रेजिस्टेंस भी ऊपर की तरफ। तो हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, जो मैंने आपको निफ्टी में प्लान समझाया वैसा ही प्लान हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे क्लोज हुआ है समवेयर इधर, समवेयर इधर। ओके, सो कल अगर यहाँ पे कहीं गैप अप ओपन होता है, ठीक है, इस जोन के ऊपर जो एज अ रेजिस्टेंस काम कर सकता है, ठीक है, इस जोन के ऊपर और इस या फिर ट्रेंड लाइन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से हम सेम निफ्टी का जो प्राइस एक्शन सिनेरियो मैंने आपको बताया, यहाँ से रिजेक्शन लेके हम ये पूरा नीचे छोटा सा गैप फिल करके यहाँ से पूरा यहाँ तक भी पूरा हम ट्रेड ले सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ प्लान फॉर कोटक बैंक। यहाँ पे कहीं ओपन होता है या फिर छोटा सा हल्का सा गैप भी ओपन होता है, फिर ऑलमोस्ट फ्लैट ही ओपन होता है, तो हम यहाँ से रिजेक्शन लेके जो जोन आपको दिखाया मैंने यहाँ पे, पहले भी इसके ऊपर काफी बार रिजेक्शन ले चुका है इसके ऊपर, यहाँ पे छोटा सा गैप भी बना था यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर कहीं फ्लैट ओपन होता है तो हम यहाँ से पुल बैक देख के हम यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्टली अगर ब्रेकडाउन देते हैं, देखो यहाँ पे 21 EMA का सपोर्ट है, ठीक है, छोटा सा एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ब्रेकडाउन कर देता है तो हम यहाँ पे एक अच्छा सा पुल बैक देख के हम शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोटक बैंक मैंने सिर्फ आपको बेयरिश साइड दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अगर ब्रेकआउट भी कर रहे ट्रेन को, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो ट्रेड फेल कर सकते हैं, ठीक है। तो काफी हर्डल है ऑन दी अबाउट, तो कोटक बैंक ऑन डाउन साइड ओनली। दोनों अब मैंने आपको सिग्नल एक्सप्लेन कर दिया, अगर डायरेक्टली ब्रेकडाउन दे देता है तो 21 EMA पे पुल बैक लेके हम ट्रेड कर सकते हैं, और अगर छोटा सा ऊपर जाता है या फिर गैप ओपन होता है तो यहाँ से छोटा सा गैप फिल करके हम नीचे की तरफ फिर से एक ट्रेड ले सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू थर्ड स्टॉक विच इज HDFC बैंक। ओके, HDFC बैंक में काफी अच्छा एक गैप बना हुआ है, ठीक है, वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी एक गैप बना हुआ है जो फिल होना बाकी है, मतलब यू कैन सी यहाँ पे एक गैप बना हुआ है जो फिल होना बाकी है, ठीक है। तो हो सकता है ये गैप कल ही फिल हो जाए या फिर परसों, ठीक है। तो जब तक ये गैप फिल नहीं होता, कैरी ऑन दिस सेटअप, ओके, फॉर दिस वीक। और कुछ इंपॉर्टेंट हम लेवल्स मार्क कर लेते हैं, ये वाले, ठीक है। तो फिलहाल HDFC बैंक की जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे 13 EMA का हमने कोटक बैंक में देखा, 21 EMA का सपोर्ट, फिर निफ्टी में भी देखा था EMA का सपोर्ट, सेम HDFC बैंक में भी है, ठीक है। तो अगर कहा यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देते तो हम एकदम सिंपल सा ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ से पुल बैक लेके यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 1% का ट्रेड हमें मिल सकता है, और अगर कल अगर फ्लैट ओपन होता है, समझो यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, तो हम यहाँ पे अगर ब्रेकआउट नहीं होता तो यहाँ पे एक बीएल स्पेशल देके रेजिस्टेंस देके इस जोन से यहाँ तक शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर डायरेक्टली अगर ब्रेकडाउन कर देता है तो हम यहाँ पे 13 EMA के पुल बैक पे हम यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 13 EMA का पुल बैक अगर आता है तो हम यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ प्लान फॉर HDFC बैंक ऑन बोथ साइड्स। ओके, ऊपर की तरफ काफी इजी सिनेरियो ब्रेकआउट लेटेस्ट, और ट्रेड ले लेंगे हम, ये गैप जो है बचा हुआ वो फिल कर लेंगे, जो ऑलमोस्ट आई थिंक 1% का ही होगा पूरा, 1% का ये एग्जैक्ट। और ये यहाँ से तो दोनों साइड मैंने ट्रेड एक्सप्लेन कर लिया HDFC बैंक। ओके, सो लेट्स मूव टू विप्रो चार्ट। विप्रो में एक अच्छा सा डिसेंडिंग ट्रायंगल सा, असेंडिंग ट्रायंगल सा पैटर्न बना हुआ है, सॉरी नॉट डिसेंडिंग, असेंडिंग ट्रायंगल सा पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, जो हाई चांसेस रखता है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने के। इसमें भी काफी सिंपल हमें ट्रेड मिल सकता है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, सॉरी ये वाला हाई जो है, ठीक है,
ये वाला और ये वाला ऊपर की तरफ काफी इजीली अचीव हो सकता है, काफी इजीली अचीव हो सकता है। अगर कल ये ब्रेकआउट कर लेता तो काफी बड़ा टारगेट हमें मिल सकता है ऑन दी अबव ऑन दी अपर साइड। ओके सो दिस इजी, बहुत इजी प्लान है विप्रो में, ब्रेकआउट पुल बैक और फिर ये ऑलमोस्ट बहुत ही बड़ा टारगेट रहेगा। आई थिंक 2-3% से ज्यादा आ ही रहेगा, सॉरी 3% से भी ज्यादा है। ओके सो दिस इज अ लेवल फॉर विप्रो, ये जो रेजिस्टेंस ये टेस्ट हो रहा है बहुत बार, ठीक है। अगर जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता, हो सकता है कल ना हो परसों, आप थर्सडे फ्राइडे तक तो ब्रेक होना ही चाहिए या फिर नेक्स्ट वीक ही हो जाएगा, ठीक है। सो ये कैरी फॉरवर्ड करना जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता, क्योंकि ब्रेकआउट तो हो ही जाएगा। काफ़ी अच्छे अपट्रेंड में रहा है, आईटी सेक्टर स्ट्रांग रहा है, जो भी वीकनेस हमें देखा बाकी सब सेक्टर में उसके होंगे उधर भी आईटी सेक्टर में हमने स्ट्रेंथ देखी है, ठीक है। सो और ये नीचे की तरफ भी हम ट्रेड कर सकते हैं, अगर ब्रेकडाउन कर लेता है आईटी सेक्टर तो यहाँ पे एक पुल बैक देख के हम नीचे की तरफ भी ट्रेड ले सकते हैं। जो असेंडिंग ट्रायंगल का जो टारगेट वाला जोन होता है, वो जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है वही है, ठीक है। तो दोनों तरफ भी बहुत ही बड़े टारगेट मिलेंगे विप्रो में, ठीक है। सो दिस इज अ प्लान फॉर विप्रो। एचडीएफसी बैंक मैंने आपको बता दिया, सिनारियो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कोटक बैंक सिर्फ और सिर्फ बियरिश, ओके। और अडानी पोर्ट्स मैंने दोनों साइड पर और निफ्टी भी दोनों साइड पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया रहेगा और आपको बहुत ही अच्छे प्रॉफिट होंगे कल भी। If you like the video, please like and share and subscribe to our channel. Okay, and see you in the next video. Okay, thank you so much.